आज की क्लास में हम बताएंगे कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है उसका क्या इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि रिकॉर्डिंग, एक चीज मैं दोबारा बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि वीवीए जो हम नॉर्मली कोड करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है, और जो माइक्रो बनाते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोज, जो माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं वो माइक्रोज कहा जाता है, जो कि गलत है। जिसमें बताया था आपको कि वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और माइक्रोज उसका एक पार्ट। आप खुद से रिकॉर्ड करके माइक्रो बनाए या कोडिंग करके खुद से बनाए, दोनों होता माइक्रो है, दोनों में यूज होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग, वीवीए प्रोग्रामिंग ही यूज होता है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया और मान लीजिए H1 पे मैंने यहाँ पे दे दिया पूजा, स्टॉप करता हूँ। अब इसमें हम जाते हैं विजुअल बेसिक पे, यहाँ मॉड्यूल्स पे, तो आप देखेंगे कि एक कोडिंग की गई है, एक कोडिंग वीवीए ही कहलाती है। और मुझे भी अगर बनाना हो तो मैं भी कुछ इसी तरह से बनाऊंगा, मैं लिखता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे K1 पे रवि लिखना है, तो रेंज यहाँ पे K1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रवि, और मैं इसको रन करूंगा यहाँ माइक्रो से। मान लीजिए इसको रन कर दिया, तो रन करने पे देखिए यहाँ पे रवि आया। अब दोनों की प्रोग्रामिंग में डिफरेंस हो सकता है, सेम चीज है। जैसे बात है कि माइक्रो जब रिकॉर्ड होता है तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज करता है जो कि प्री डिफाइन है, लेकिन जब कोडिंग हम करते हैं तो हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो ही जब है फीचर हमारे पास तो फिर कोडिंग क्यों सीखे? का आंसर है कि इसमें नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ का डेटा सिलेक्ट करके इसमें पिवट बना दो, तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो फिक्स हो गया कि भाई C2 से F9 तक के डेटा पे पिवट बनाना है। कल के डेट में डेटा घटता है या बढ़ता है उससे उस माइक्रो कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप खुद से रिकॉर्डिंग करते हैं तो डायनेमिक रेंज देते हैं, भाई कंट्रोल ए कर लो या पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो, उसके हिसाब से बनाओ, इस तरह की कोडिंग हम देते हैं ताकि डेटा हमारा डायनेमिक हो जाता है। रिपीटेशन हो गई, जैसे कि एक ही काम को अगर 10 बार करना है तो रिकॉर्डिंग में आपको 10 बार कोड करना पड़ेगा, 10 बार रन करना पड़ेगा। वीवीए में आप उसको लूप लगा सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, उसके बाद कनेक्टिविटी कर सकते हो, इंटरफेस बना सकते हो, ये सारी चीजें आप माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो से नहीं कर सकते। अब बात आती है कि रिकॉर्ड माइक्रो का यूज क्या है, तो मैंने बताया था 2 केसेस में कि एक हुआ आपका कि आप उसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे फिल्टर का कोड पता नहीं है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा और यहां से फिल्टर अप्लाई करके उसका कोड देख लूंगा, राइट? यस सर। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि मैं सीख गया, तो क्या हमें रिकॉर्डिंग माइक्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए ऐसा बात नहीं है, मैं भी रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करता हूँ कोडिंग को कम करने के लिए। मतलब रिकॉर्ड कर लेते तो हमें ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। अच्छा ठीक है सर, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसके लिए मुझे डेटा चाहिए होगा, डेटा लेता हूँ, मान लीजिए हम डेटा पे ओपन करते हैं। इसी डेटा की बात कर लेते, राइट? ठीक है, जो कॉपी करके एक नई शीट पे, नई शीट नहीं, जो हमारी शीट ऑलरेडी है उसी पे पेश कर लेता हूँ, नई शीट पे पेश कर, और इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जो डेटा आपके सामने दिख रहा है ना,
मुझे एक इस पे एक रिपोर्ट बनानी है। बेसिकली ये डेटा ओवरऑल डेटा है, और मुझे किसी का फोन आता है कि भाई मुझे पुणे का डेटा दे दो, मुझे दिल्ली का डेटा दे दो, मुझे मुंबई का डेटा दे दो। मैं फिल्टर लगाता हूँ, डेटा कॉपी करता हूँ, नई फाइल पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर मेल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसा माइक्रो बनाना जो मैं जैसे रन करूँ सिटी पूछे, मैं सिटी उस पर एंटर करूँ, उस सिटी का डेटा कॉपी करके दूसरे किसी सीट पे पेस्ट कर दे, एक फाइल बना दे उसका। तो प्रॉब्लम समझ में आया? क्योंकि देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है कि आप प्रॉब्लम को समझे। वो कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आविष्कार कैसे होगा? जब तक उसकी आप अपनी अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप मैक को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब इसके लिए कोडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। रिकॉर्ड कर लिया हमने, इसको रिकॉर्ड कर लिया मैक्रो 2 के नाम से, ठीक है। फिल्टर अप्लाई किया हमने, मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, दिल्ली का डेटा लेता हूँ। देखिए कभी भी सिलेक्शन जो है ना माउस से मत कीजिएगा। तो कोड क्या होगा पता है आपको, माउस से सिलेक्ट करेंगे तो एक एरिया कोड ले लेगा, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, एक एंड वाला कोड जनरेट करेगा ये। उसके बाद डायरेक्ट आप कॉपी मत कीजिए, क्योंकि फिल्टर डेटा है, पीछे का डेटा कॉपी होने के चांसेस है। तो आप जाइएगा गो टू स्पेशल, होम मेनू बार के अंदर गो टू स्पेशल, और यहाँ पे आता है आपका विजुअल सेल्स ओनली, सेल्स ओनली। देन उसको हम कॉपी करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी दो शीट है, बट इन दोनों पे डेटा पेस्ट नहीं करूंगा मैं, रीजन ऐसा कर दिया तो हमेशा सीट 2 या सीट 3 जो है आपको खोजेगा, वो सीट होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो नहीं करेगा, समझे। इसलिए मैंने एक नई शीट को ऐड किया और इस पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसका नाम हमने दे दिया दिल्ली, और फिर इसको राइट क्लिक करके मूव किया एक नई वर्कबुक में और उसको सेव किया ई ड्राइव में dellhi.xlsmx के नाम से, और फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर डेटा शीट पे आ गए, फिर हमने फिल्टर हटा दिया, A1 पे क्लिक करके माइक्रो स्टॉप कर दिया। अभी जो मैं माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है ना, वर्क नहीं करेगा। अब इसकी कोड में जाते हैं, देखते हैं कि वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कोड ऐसे हैं जैसे कि सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर दिख रहा है। अब दो बार फिल्टर लग गया, आप जानते हैं ना कि एक्सेल में एक बार फिल्टर लगाया फिर दोबारा फिल्टर लगाया तो फिल्टर हट जाता है, यहाँ ऑटो फिल्टर फिर ऑटो फिल्टर लगाएगा तो फिल्टर हट जाएगा ना। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एक रेंज ले लिया 791, लेकिन जब मैं फिल्टर लगाया तो कोई रेंज नहीं लिया था, ऑटोमेटिक वो समझ ले लेता है रेंज क्या। तो यहां पे हम A1 को रन देते हैं और बाकी रेंज हटा देते हैं, बाकी ठीक है, दिल्ली दिल्ली बाकी से कॉपी किया पेस्ट किया। अब देखिए सीट 4 डॉट सिलेक्ट दिख रहा है ना, अब हर बार ऐड होगा तो सीट 4 थोड़ी ऐड होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव सीट डॉट पेस्ट किए हुए, मतलब जो ऐड हुआ वही एक्टिव था, इसलिए एक्टिव शीट तो हम सीट आता है वहां पे एक्टिव शीट कर देता हूं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, मेनू डॉट डेटा डॉट सिलेक्ट ऑटो फिल्टर हुआ। अब आपका कोड अब परफेक्ट हो गया, लेकिन हमेशा दिल्ली का डेटा ही बनाएगा सर। आपको अगर किसी और सिटी का डेटा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके चेंज करना होगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझसे पूछे, एक छोटा सा कोड ऐड करना होगा यहाँ पे, जिसे मैंने बोल दिया सी पी सॉरी पी एक एस ले लिया एक्स वाई जेड
एक्स ही ले लेता हूं, एक्स इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे हमने डाल दिया एंटर सिटी। और जहां जहां पे मुझे सिटी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां हम क्या कर देते हैं, एक्स ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, याद होगा मैथमेटिक्स में लेते हैं एक्स वाई जेड। यस सर। बट यहां पे एक्स नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो एक्स नाम का ही फाइल बनाएगा, तो मुझे एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर वो चाहिए ना। हमने कॉन्केट कर दिया यहाँ पे, कॉन्केट पता ना सर। हाँ। तो हमने क्या किया, पाथ और एक्सटेंशन के बीच में एक्स को डाला बट कॉन्केट करके डाला। अब ये परफेक्टली परफेक्ट हो गया सर। अब मैं एक काम करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ और इसको रन करता हूँ माइक्रो टूल को। पॉपअप पूछा एंटर सिटी, हम एंटर सिटी में डाल देते हैं एम यू जेड, ठीक है, डन हो गया। अब जाके देखें ई ड्राइव में एम यू जेड का फाइल बना दिया इसने, इसके अंदर सिर्फ एम यू जेड का डेटा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो को इस्तेमाल किया। हमने कुछ कोड को डिलीट किए, कुछ कोड को चेंज किए और एक लाइन हमने ऐड किया। हमें इतना बड़ा कोडिंग नहीं करना पड़ा ना सर। यस सर। तो आप इस तरह से रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट होता है कि आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, आपकी कंफ्यूजन कम होती है। लेकिन आपको अगर रिकॉर्डिंग माइक्रो भी यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको वीवीए की नॉलेज आना चाहिए। आप बिल्कुल वीवीए नहीं जानते हैं और रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करेंगे तो फिर मुश्किल है। अच्छा ठीक है सर, समझिए। हाँ। अब बात करते हैं कि माइक्रो रन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो एक तरीका है कि आप माइक्रो में जाकर रन कर लें, या आपके जो ए है विजुअल एडिटर है वहां से भी रन कर सकते हैं, फाइल इसका शॉर्टकट होता है। आप माइक्रो का अलग से शॉर्टकट बना सकते हैं, ऑप्शन पे जाएं और यहाँ शॉर्टकट बना दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट आर, मैं कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करूंगा तो माइक्रो टू रन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हैं कोई बटन यूज करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बटन बना दो गेट डेटा। यहाँ डेवलपर में ही आपको बटन आता है तो एक्चुअल कंट्रोल बट यूज लीजिएगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल जैसे ड्रैग करेंगे आपसे पूछेगा असाइन मैक्रो, आप सेलेक्ट करें मैक्रो असाइन करें, बटन पे सिंगल क्लिक चेंज कर दे गेट, ठीक है। अब जितने मुझे स्टाइलिश बटन चाहिए, मैंने कोई पिक्चर्स या कोई स्टेप्स को डाल रखा है उस पे करना है, जैसे मैंने एक स्टेप डिजाइन कर दिया तो इस पे क्लिक करते हो जाए, तो इस पे जाइए राइट क्लिक कीजिए या पिक्चर हो स्टेप हो राइट क्लिक करके यहाँ देखिएगा आपको असाइन मैक्रो क्लिक कीजिए, मैक्रो असाइन कर दीजिए अंदर, ठीक है। आया समझ में? अब समझ में आया तो आप क्या करें, जो मैंने जिस तरीके से मैंने चेंज किया ऐसी आप कुछ रिकॉर्डिंग माइक्रो बनाए और उसके अंदर की कुछ चेंजिंग करें और करके ट्राई करें। जी सर, ठीक है।